हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो बस अभी अभी 9 बजे और हम उठ गए और आज का प्लान है शाम को मेहंदी पार्टी में जाना और बहुत कुछ करना। पता नहीं ये लोग बोल रहे कि बहुत सारे फंक्शन है तो पता नहीं कौन से फंक्शन करने। तो बस वहीं पे मिलते, आगे तो कुछ है नहीं, बस पूरा दिन बोरिंग है। अभी लंच के टाइम। हाँ तो गाइस ये छोटा सा पैकेट है जो मुझे अनबॉक्सिंग करना कुछ आता तो नहीं, लेकिन मैंने हेड कर लिया जो मैंने रक्षाबंधन के दिन ये ऑर्डर किया था। मेरी दीदियों को बहुत चाहिए थे ये ब्रेसलेट और मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे मिल नहीं रहे थे, तो बस ऑनलाइन मैंने उसको परचेस करके आज गिफ्ट कर दिया। तो आज बस वो दे दूँगा उसको। तो ये छोटा सा अनबॉक्सिंग है, ज़्यादा अनबॉक्सिंग तो आता नहीं मुझे, तो बस इतना ही है थोड़ा सा। और जो मैं शाम को पहनने वाला हूँ वो कपड़े घड़ी वगैरह, तो ये उसका एक प्री लुक यही पहनने वाला है, बस कुछ ज़्यादा नहीं पहना। हाँ तो गाइस मैं रेडी हो गया, आपको बस ऐसा कुछ लुक लग रहा है प्लस ब्लैक टी शर्ट और बस ऐसा ही कुछ किया है वार्म कपड़े पहने क्योंकि बाहर थोड़ी सी ठंड जैसी लग रही है, वेदर थोड़ा खराब हो गया है। तो बस अभी चले गए घूमने, नहीं घूमने तो नहीं, मेहंदी पार्टी में जाएगी ना अभी। तो बस आगे मेहंदी पार्टी का सीन दिखा, तो थोड़ा आधा घंटा लगेगा जाने में। अभी मैं पहले से रेडी हो गया, पता नहीं क्यों इतना उतावला हो गया, कहाँ जा रहा था कुछ भी नहीं पता है। तो रुक जाओ थोड़ा आधा घंटा, वहीं पे पहुँच के दूसरा सीन दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये सब, पता नहीं मैं रेडी होने लग गया तो मेरे पीछे पीछे ये सब रेडी होने लग गए। तो हमको जाना था 6:30 बजे और हम हो गए 5:30 बजे रेडी। तो ये थोड़ा बाहर का सीन देख रहे हो आप, स्काई थोड़ा डार्क हो गया, तो ठंड है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी सी है। तो जहाँ पे मेहंदी पार्टी है उसका हॉल कुछ ऐसा लग रहा है। तो 5:30 बजे मैं उधर था, नहीं 5:50 भी होगी तब मैं उधर था। तो ये उसका लुक है, जब कोई नहीं आया था तब मैं था उधर। और जो दिल्ले वाले होते हैं ना वो उनकी फैमिली थी क्योंकि मेहंदी पार्टी उन लोगों ने ऑर्गेनाइज की थी और मैं था दुल्हन की तरफ से। तो देख सकते हो ये थोड़ा डेकोरेशन उन लोगों ने किया है, वहाँ पे दुल्हन और दूल्हा बैठेगा, उससे पहले बच्चे लोग खेल रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे ये गणपति का सीन बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये आ गए हमारे डीजे जो अभी कनेक्शन कर रहे क्योंकि अभी कोई आया नहीं ना, तो डीजे भी टाइम पे आ गए। वाह मैं ही टाइम से पहले आया हूँ, समझ रहे हो इतना उतावला था, पता नहीं कहाँ जाना था। तो यहाँ पे फाइनली 7 बज गए और हॉल इतना अभी लोडेड हुआ है कोई ज़्यादा नहीं है। और दूल्हा दिख रहा है यहाँ पे नाचते हुए फुल एनर्जी पे और ये कैटरिंग वाली बीच में आ गई। वाह तो देख रहे हो दूल्हा कितना अच्छे से नाच रहा है, दुल्हन पीछे बैठी है, सोफे के साथ मैच हो रही है भाई, दिख ही नहीं रही दुल्हन। वाह दैट इज वाह सीरियसली, मुझे नहीं पता है कि दुल्हन इतनी वाइट वाइट क्यों है क्योंकि उधर दिख नहीं रही, लेकिन दूल्हे के साथ नाचना था ना उसको भी अच्छा लगता। तो ये उनके लिए कोई नाच रहे तो वही एक छोटा सा क्लिप जो उनको मनोरंजन दे रहे, उन लोगों का टाइम पास कर रहे यू नो। तो थोड़ा लंबा चलेगा ना यू नो, ऑर्गेनाइज थोड़ा लंबा किया होगा। तो वहाँ पे सबको साइड में कैटरिंग वाले खाना दे रहे जिसको वो नाश्ता बोल रहे थे अभी, लेकिन हो तो चुके थे 7:30। तो यहाँ पे दुल्हन की और दूल्हे की फैमिली नाच रही है, ये दो दुल्हन के भाई है और वो दुल्हन खुद है, उसके पीछे वाले दिख नहीं रहे क्योंकि मैं साइड से वीडियो कर रहा था ना, बीच में जाना अलाउड नहीं था, कैमरा मैन थे हमारे, देख रहे हो जैसे कि कोई बंदूक चलाए गए अभी वैसे घूम रहे स्टैंड वगैरह लेके, क्योंकि स्टेबल होना चाहिए वीडियो, हमारी दुल्हन ने बोला है परफेक्शन चाहिए हमारी दुल्हन को। तो ये हमारी दुल्हन दुल्हा नाचता हुआ। तो उन लोगों का नाचना खत्म हुआ और हमारे डीजे वाले ने बस यही गरबा लगा लिया, तो सब लोग गरबा खेलने लग गए देख रहे हो। तो इस गरबे के बाद जो सीन आता है वहीं पे मिलता हूँ अभी भी।
तो ये आप देख सकते हो कि दुल्हन के साथ जो मेहंदी आर्टिस्ट है वो कुछ ऐसी मेहंदी करा रही है, क्योंकि दूल्हे के साथ तुम जा मैं तो सच में बोर हो रहा था, इसलिए डीजे के पास ही बैठा हुआ था बस। तो देख रहे हो, मेरी मम्मी और मेरे काका सब लोग यहाँ पे बस अभी भी कुछ खेल रहे। गरबा बोलते, क्या बोलते, वही खेल रहे, काका बापा वगैरह सॉन्ग पे नाचते हैं ना। तो सॉन्ग्स मैंने सारे निकाल दिए, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है तो वो नहीं चाहिए भाई। पहला लंबा व्लॉग है मेरा। तो यहाँ पे दुल्हन नाचने आ गई भाई, ये सीन कैसे मिस हो सकता है हमसे। इसकी तो हम राह देख रहे थे, तड़प रहे थे। तो अभी अभी दुल्हन आ गई, तो देख सकते हो छोटा सा डांस दुल्हन का, कुछ ज्यादा नहीं। थक गई है क्या? लगता होगा थक गई होगी, कपड़े हैवी हैवी है, कुछ भी नहीं कह सकते ना, लड़की है, कुछ भी हो सकता है। तो ये देखो, ये मेरे काका लगते हैं रिश्ते में, उसके बेटे को गरबा खिलाने आए। देख रहे हो बच्चे को उल्टी नहीं हो जाएगी क्या काका, थोड़ा धीरा घूमो। वाह भाई, ये आज बच्चे को बीमार करके छोड़ेगी, लगता तो ऐसा ही है। तो यहाँ पे देखो, अभी मेरी मम्मी और मेरी छोटी दो बहनें अटैक कर रही है, और ये प्यारा सीन, मैं और मेरे डैडी सोफा खाली मिल गया तो चले गए ऐसे ही। तो ये हमारा डिनर, आफ्टर डिनर आइसक्रीम चबा रहे हम लोग, क्योंकि डिनर टाइम थोड़ा अटैक हो गया था। तो ये जब घर लौट रहे थे तब सीन लिया, देख रहे हो राइट लेफ्ट पूरा सब कुछ खाली हो चुका है, और अभी भी यहाँ क्लोज फैमिली वाले फोटो शूट करवा रहे हैं, किसी को घर नहीं जाना क्या? ये देख रहे हो पूरा हॉल खाली है, लेकिन अभी भी ये देखो प्यारी सी फैमिली फोटो शूट कर रही है, दुल्हन के मम्मी पापा भाई बहन सब लोग। तो बस ये इंजॉय करो, और यहीं पे हमारा व्लॉग होता है खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक And please subscribe.